उत्सव जनपद गाजीपुर के कुंडेश्वर छठी से मशहूर हैं। कुंडेश्वर छठी ऐतिहासिक तौर पे बहुत प्रसिद्ध है। इस गांव के बहुत बहादुर लोग रहते हैं और इस गांव के बगल में प्रसिद्ध एक इलाका है शेरपुर, जहां के 8 लोग एक साथ 18 अगस्त 1943 उसी गांव के रहने वाले हैं। दिनेश चंद्र राय आप एक अध्यापक हैं, शिक्षक नेता हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस कोरोना के माहौल में जो सरकार द्वारा चुनाव कराया गया है, आप एक शिक्षक होते हुए, शिक्षक नेता होते हुए क्या महसूस कर रहे हैं और कितनी बातें सरकार ने आप लोगों की मानी? अभी जो चुनाव हुआ ग्राम सभा का, जहाँ तक हम महसूस करते हैं शिक्षक नेता के रूप में, शिक्षकों के प्रतिनिधि के रूप में, वो बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमने सर्वोच्च न्यायालय से लेकर, चुनाव आयोग से लेकर, सरकार से लेकर, हमारे शिक्षक समुदाय ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन चुनाव आयोग ने भी नहीं और सरकार ने भी हमारी एक भी नहीं सुनी। सर्वोच्च न्यायालय का ये था कि नहीं चुनाव कराया जाए, हम शिक्षक हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश निरस्त मानना हमारा परम कर्तव्य है। हमने चुनाव भी हिस्सेदारी की और हमारे बहुत से शिक्षक काफ़ी संख्या में प्रदेश में मर भी गए और आज भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। कोई किसी की अंतिम सांसें चल रही हैं, बहुत से लोगों को थोड़ा भी सुधार हुआ है। काफ़ी नुकसान हुआ शिक्षक समाज का, कर्मचारी समाज का, या बिल्कुल सरकार का, या हम कह सकते हैं चुनाव आयोग का बिल्कुल गलत कदम है। ये नहीं होना चाहिए था चुनाव, जाने से अच्छा है चुनाव को 6 महीने टाला जा सकता था, 1 महीने टाला जा सकता था। नहीं, सरकार ने या चुनाव आयोग ने, सरकार कह सकती है कि ये चुनाव आयोग का फैसला था, नहीं कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें शामिल होती है इस निर्णय करने में, और यह बिल्कुल गलत हुआ। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, शिक्षक समाज इसको कभी माफ नहीं करेगा। ये गलत हुआ और हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, और मैं कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग हो या सरकार हो, कहीं ना कहीं ये अपनी तानाशाही रवैया का परिचय दिया है चुनाव कराकर। ये होना नहीं चाहिए था, हम इसकी बिल्कुल बार बार निंदा करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।